फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फेना तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अक्सर बाजार के भीड़भाड़ के इलाकों से जब किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो सबसे पहले ये समझ नहीं आता कि आखिर वो गाड़ी चोरी होकर कहाँ गई होगी। पुलिस कंप्लेंट कराने के बावजूद भी आपकी गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस काले कारनामे की पूरी सच्चाई क्या है। मेरठ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह विभिन्न राज्यों से वाहन चोरी करके मेरठ के सोतीगंज स्थित कबाड़ी बाजार में लाकर बेच दिया करता था। ये लोग हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल और हरिद्वार जैसी जगहों से वाहन चोरी करके लाते थे। उनकी नंबर प्लेट बदलकर मेरठ लेके आते थे और यहाँ पर उसका सौदा किया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें काफी संख्या में लग्जरी कार और बाइकें बरामद हुई हैं। वाहन चोर गिरोह ऑन डिमांड वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। अधिकतर ये लोग दिल्ली और हरिद्वार से वाहन चोरी करके लाते थे, मेरठ में लाकर उनको सोतीगंज में बेच दिया करते थे। पुलिस लाइन में पकड़े गए वाहन चोरों के बारे में जानकारी देते हुए SSP अजय साहनी ने बताया है कि थाना टीपी नगर की पुलिस एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों की गैंग को पकड़ने में कामयाब हुई है। ये गैंग विभिन्न राज्यों में लग्जरी कार और बाइकों की चोरी किया करती थी, उसके बाद मेरठ के सोतीगंज में लाकर उसको बेच दिया करती थी। SSP ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से जितने लोग हैं उनकी संख्या 3 है। अभी और भी लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ जारी है। नगर की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गैंग वर्कआउट किया, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें 2 फोर व्हीलर सहित कुल 6 वाहन अभी तक बरामद हुए हैं। आगे भी बहुत सारी सूचनाएं इनके द्वारा दी जा रही हैं। न्यायालय से इनको रिमांड पर लेकर आगे और रिकवरी करने का प्रयास किया जा रहा है और ये जो 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। जी निश्चित रूप से इसमें एक लखनऊ की गाड़ी है, एक हरियाणा की गाड़ी है, जो दोनों 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, बाकी 2 व्हीलर भी कनेक्ट हुई हैं। संबंधित जहाँ की गाड़ियाँ वहाँ हम लोग उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं। SSP ने बताया कि पकड़े गए वाहन चोर काफी शातिर किस्म के हैं। ये लोग दूसरी जगहों से लाकर यहाँ पर गाड़ी को बेचा करते थे। पकड़े गए लोगों में अनिल निवासी करनावल, थाना सरूरपुर, वाहिद और अरुण त्यागी हैं। टीपी नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक इनोवा गाड़ी को रोका, जिसमें 3 लोग सवार थे। इन तीनों से गाड़ी की कागज दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन इनके पास किसी भी कागज का कोई भी सबूत नहीं था। वहीं इनोवा के भीतर से काफी संख्या में कार की नंबर प्लेट भी मिली। संदिग्ध होने पर पुलिस इनको थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि ये सभी शातिर वाहन चोर हैं जो एक गिरोह चलाते हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर सुनौतेंगे ऐसी ही और भी बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।